मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज यहाँ पे कोकेटलम के पोर्ट कोकेटलम के एक पार्क में पाकिस्तानियों की, बल्कि पाकिस्तानियों से ज़्यादा हमारे भाई जो कि 20-30 साल से हमारे दोस्त हैं, इतने सीनियर नहीं हैं लेकिन माशाल्लाह यंग लुकिंग एवरीबॉडी, तो हमने यहाँ पे एक COVID-19 के हालात में सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टेंस करते हुए अपने आप को यहाँ पे, हमने ईद का दिन है और यहाँ पे जमा है, बड़ी अच्छी पिकनिक हुई है, खाने के बाद का सेशन है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, अब यहाँ पे कचहरी होगी तो वो क्यों ना हम एक ऐसी कचहरी करें यहाँ पे जिसमें हम अपने दोस्तों से अपने भाइयों से बातें करेंगे। तो आप कुछ बताएं, आज की ईद यहाँ पे आपको कैसी लगी? कोविड के दिनों में तो ज़ाहिर आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ईद का वो मज़ा नहीं है जो कि हमेशा होता है जी, बिल्कुल। अगर फिर भी ये जो अच्छा हुआ कि दोस्तों ने ये इनिशिएट लिया और आज इसी बहाने सब मुलाकात हम सब की हो गई, आपसे भी मुलाकात हुई, शुक्रिया, बड़ी बड़ी बात है, शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन इसी के साथ नसर भाई जो कि कम्यूनिटी के बहुत जाने पहचाने रुकन हमारे और बहुत अरसे से हमारे साथ हमारे दोस्तों में शामिल, नज़र भाई जरा आप कुछ बताइए अपनी, देखिए माशाल्लाह इनके चेहरे की जो खुशी आते भाई वो आप इससे पहचाने के ये हमेशा क्यों जंग रहते हैं, ये छक्के बहुत मारते हैं, ये छक्के बहुत मारते हैं। चलो देखिए जी, बड़ी खुशहाल बात है कि हम सब गैदर हुए हैं और कोविड को मद्देनजर रखते हुए ये जी और उसके प्रोटोकॉल्स को उस हिसाब से ईद मना रहे हैं। मैं सबसे पहले कम्युनिटी में सब लोगों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ जो भी हैं हमारे सुनने वाले देखने वाले, और जिस तरह आप प्रोग्राम करते हैं और लोगों में ये प्रोग्राम आगे भेजते हैं माशाल्लाह, तो ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम है आपका और ये आप काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं और कम्युनिटी को जुड़ा हुआ है, और जैसे आपने कहा मैं भी कम्युनिटी से कुछ जुड़ा हुआ था लेकिन अब काफ़ी अच्छे से अपनी मसरूफियात की वजह से फिर मैं अभी भी कम्युनिटी से टच बेस में हूँ, लेकिन आज की जो मखसूस जो ईद है जो इस कोविड की सिचुएशन में हुई है जी जी, ये थोड़ी डिफरेंट सी है। जैसे हम नमाज पढ़ने गए तो वहाँ ऐसे गले नहीं मिल पा रहे थे ओपनली, हाँ, और दूसरा डिस्टेंस भी था रखा हुआ था, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ी गई, वहाँ लोगों से मुलाकात भी हुई और हम इंशाल्लाह जो आगे जो ईदें आएंगी उसमें जो ना ये अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जिस तरह कम्युनिटी में सब साथ बैठते थे एक बड़ी अच्छी गैदरिंग होती थी तो इस तरह बैठते शुरू होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ, शुक्रिया बिल्कुल। आप सारे भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया भाई, ज़रा थोड़ा लाउड बोलना होगा कि ये मुबारकबाद, और जैसा कि आपने पहले भी सुना सबसे सुना के COVID-19 की सिचुएशन को मद्देनज़र देखते हुए हमने यहाँ पे आज पार्क में गेट टुगेदर रखी और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हुई, और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि जल्द अज जल्द इस वबा से जान छूटे और आगे हम जो है जैसे कि पहले हमारी पहली ईदें होती थी बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज़ पढ़ी जाती थी, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठा जाता था और उसी सिचुएशन में फिर वापस आए हैं। तो तब तक सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करें ताकि हम सेहत के साथ ये जो वक्त जा रहा है वक्त गुजर रहा है इससे हम निकल जाएँ और आगे चल के अच्छा लगेगा हालात पहले फिर बैठे। जी नाज़रीन माशाल्लाह उम्मीद पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो तारिक भाई ने जो बातें की हैं बड़ी हौसला अफजा हैं, और इंसानी ज़िंदगी में वैसे तो कहते हैं चंगा खाना चंगा पाना, ये दो ही चीज़ें हैं लाइफ में ना, तो कोविड में भी यही चल रहा है। अगर हमारे दूसरे इकोनॉमिक हालात जो है कितने भी बस हो जाए लेकिन कैनेडा में रहते हुए फिर भी ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल लतीफ़ भाई ये हमारे ये वो मॉडरेटर हैं जो कि COVID-19 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन्होंने वो लगाया हुआ अपना मास्क रखा हुआ है जेब में, तो अब पता नहीं क्योंकि डिस्टेंस है तो अभी लगाया नहीं इन्होंने। लतीफ़ भाई आप बताइएगा कुछ, जैसा कि अभी हालात चल रहे हैं कोविड में रिस्ट्रिक्शन है गैदरिंग्स में, लेकिन इंतखाब साहब और हमने क्या किया ऐसा कोई इनिशिएटिव लें कि लिमिटेड गैदरिंग में कहीं सबको इकट्ठा करें, हम भी काफ़ी साल के बाद वैसे हम एक दूसरे को जानते हैं 20 ईयर से ज़्यादा, तो मैंने इनको बोला यार छोटी बहुत गैदरिंग हो और कहीं पार्क वार्क में चलते हैं जो ईद का दिन है
सारा क्रेडिट इनको जाता है और दूसरे दोस्तों को भी, अलीम साहब को भी जाता है। और गैदरिंग हुई है तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हम लिमिटेड गैदरिंग कर सकते हैं। सारे कम्युनिटी को ईद मुबारक हो और इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सिमिलर लिमिटेड गैदरिंग। जी नाज़रीन, ये लतीफ़ भाई ने कहा कि ये मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं सिर्फ यस करने वालों में होता हूँ और फिर जो भी पार्टिसिपेट करना होता कर लेते हैं, लेकिन अलीम भाई ने ज़्यादा इसमें जो कैमरे के पीछे है ये इनका भी इंटरव्यू करेंगे। इनके बेटे की शादी की भी तकलीफ की एक छोटी सी ये वो पिकनिक है मेरे साथ। नाज़रीन, सिंध में की सौगातें मशहूर सौगातें हैं, खैरपुर के हम वाली है खैरपुर अयाज तालपुर मेरे साथ है। खजूर तो आप दूसरे वाले जंगल में, वो अलग बात है। चले जी, आप ये वाली है, वाली है खैरपुर अयाज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए कुछ बोलिए। आप क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे? सर क्रिकेट तो नहीं, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी जी, आपने हमें कुछ अच्छी एक इन्विटेशन दी और एक अच्छा माहौल प्रोवाइड किया जिसको हम सब दोस्त करके बैठे, सब फैमिली के साथ एक बैठे जैसे की है। और फिर सेकेंडली मैं आपके देखने वालों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। ईद मुबारक कहना चाहिए आपके तवसत से, मैं उनको ईद मुबारक कहता हूँ। और मैं, मेरी ये फर्स्ट टाइम मैं रिसेंटली मूव हुआ हूँ दिल्ली से, माशाल्लाह ये मेरी पहली ईद है कानपुर में। और मुझे एक साथ बहुत सारे दोस्त मिल गए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन डे बाई डे बिल्ड अप होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान, दिल अपना पाकिस्तान जी। नहीं भाई, आप कुछ बताइएगा। सर सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स को मुबारक जी, ऑर्गेनाइजर इतनी अच्छी गैदरिंग की है। एंड स्पेशली अरुण भाई को आपको कंग्रेचुलेशन, शुक्रिया। तमाम मुसलमान भाइयों को, स्पेशली पाकिस्तान कम्युनिटी को ईद मुबारक। सबने कहा कि कोविड की वजह से इतनी बड़ी गैदरिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन भी छोटे से ही हम पैमाने पर अपने लोगों को इकट्ठे करना, कम्युनिटी को यू नो ऑर्गेनाइज करना, स्पेशली क्या कहते हैं ऊपर देश में यू नो ईद के दिन जो है ना बच्चों को दिखाना, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सकाफत क्या होती है, हम किस तरह ईद मिलते हैं, किस तरह कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन, अब मेरे साथ अलीम भाई हैं, मैं अलीम भाई का इंटरव्यू करता हूँ। अलीम भाई को अभी, अलीम भाई आप उसको वो कर दें, पॉज पे कर दें कैमरे को, पॉज पे नहीं। जी अलीम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सब ये है कि ईद उल अज़हा है, सबको ईद मुबारक। वेरी गुड। और जैसा कि अब सब कुर्बानियाँ, सब जानवर की कुर्बानी है, तो सभी ने अपना अपना एहतमाम किया हुआ, और आपने ये यहाँ पे गेट टुगेदर किया, इज़ वेरी गुड एक्चुअली। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।